वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। अब हम देखेंगे कि आजादी के बाद से सेंटर और स्टेट के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं। तो पहले तो इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो ये सेंटर में भी रूल करती थी और यही स्टेट में भी रूल करती थी। तो तब तो वही चीजें होती थी जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग चाहते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोकल पार्टीज बनी और कुछ स्टेट में जीत भी गई, लेकिन उनको सेंटर अच्छे से रूल नहीं करने देता था और कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था। लेकिन ये सिचुएशन 1990 में बदल गई, क्योंकि सेंटर में किसी एक पार्टी की सरकार बन ही नहीं पाई, जिस कारण बहुत सारी पार्टीज को मिलके एक सरकार बनानी पड़ी, जिसे हम कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे पावर को शेयर करना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्हें उनकी पावर यूज करने से कोई रोक नहीं रहा था। और अब सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी नहीं कर पा रही थी। यार, लेकिन इंडिया में तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है और हम तो तब से स्टेट और सेंटर से सेंटर और स्टेट करे जा रहे हैं। अब बारी है थोड़ा सा और नीचे खिसकने की। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहते हैं जब सेंटर और स्टेट से पावर छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। इंडिया के गांव में इस गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जानते हैं और इसका हेड सरपंच होता है। वहीं शहरों में इसे हम म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं और इसके हेड को हम मेयर कहते हैं। इंडिया में 1992 में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और इससे हमारी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट के पास और भी ज्यादा पावर्स आ गई थी। तो 1992 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो थे, फर्स्ट, अब से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होना जरूरी हो गया था। सेकंड, इन इलेक्शन में कुछ सीट्स एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड रखी गई थी। थर्ड, इनमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व्ड कर दी गई थी। फोर्थ, ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता था, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, यानी इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी। फिफ्थ, अब से स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स और पैसे दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ते थे। अब गांव का जो पंचायती सिस्टम है उस पे और नजर डालो। हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और फिर कुछ ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति बनाते हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती है वो मिलके उस डिस्ट्रिक्ट की एक जिला परिषद बनाते हैं। और इससे पहले मम्मी मेरा भूत बना दे, उससे पहले मैं अपने कमरे में सफाई अभियान शुरू कर देता हूँ। चलो बाय। और हाँ, मॉरल यही है। नहीं यार, इस बार मॉरल नहीं है, एक टास्क है तुम्हारे लिए। मान लेना कभी भी कोई 2-3 लोग किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हो, तब तुम्हें उनकी तरफ देखना है और स्माइल करके ऐसे एक्ट करना है कि तुम्हें उनकी बातें समझ आ रही हैं, और फिर उनका रिएक्शन देखना। मैं तो जब भी ऐसा करता हूं तो लोग वियर्ड सी स्माइल देते हैं और उधर से भाग जाते हैं। This could be us. So back to what I was saying. This could be us.